Today we will discuss about the types of seed from morphology of flowering plant. We will discuss the types of seed actually on the basis of the cotyledon. Okay, on the basis of the cotyledon. There are two types of seed. First one is the monocot. First one is monocot and second one is dicot. Monocot and dicot. On the basis of the cotyledon, monocot and dicot, and on the basis of the endosperm, okay, on the basis of the endosperm, what is endosperm? That we already discussed, that endosperm is formed as a result of triple fusion during double fertilization. Triple fusion during double fertilization, that we already discussed. Now, in this, two types are here. First is endospermic. First one is endospermic, and second one is non-endospermic. Non-endospermic. This endospermic is also called albuminous. What we call it? Albuminous. क्या बोलेंगे इसको? Albuminous. सेकेंड जो है नॉन एंडोस्पर्मिक, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्स एल्ब्यूमिनस. ठीक है, एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस, इसमें एग्जांपल्स क्या हैं? वीट, राइस और मेज. वीट, राइस एंड मेज. और जो हमारा ये वाला है एक्स एल्ब्यूमिनस, इसमें क्या आती है एग्जांपल? ऑर्चिड. इसकी एग्जांपल क्या है? ऑर्चिड. ठीक है, नाउ हमने क्या करना? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म, फर्स्ट ऑफ हमने क्या किया? मोनोकॉट ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म इसमें है एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक एक्स एल्ब्यूमिनस. नाउ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एल्ब्यूमिनस की अगर हम बात करें, मैंने लिख दिया सीधा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, ये लिख दिया एल्ब्यूमिनस. अगर मैं इसकी बात करूं देन उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस. और इसको क्या बोलेंगे? एक तो होएगा एंडोस्पर्मिक और क्या बोलेंगे? एल्ब्यूमिनस. ठीक है, और दूसरा वाला है जिसमें कोई भी एंडोस्पर्म, ये देखो अगर तो एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस. अगर तो एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है, नो एंडोस्पर्म, अगर तो यहाँ पे कोई भी एंडोस्पर्म नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक. क्या बोलेंगे? नॉन एंडोस्पर्मिक. क्या बोलेंगे? नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस. अब देखो ये नेम तो दोनों में सेम है, आपने माइंड में रखना अगर हम मोनोकॉट की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या आता है? मोनोकॉट में एंडोस्पर्मिक और दूसरे में क्या आता? नॉन एंडोस्पर्मिक. ठीक है, तो अगर हम डायकॉट की बात करें तो आपको उसमें भी पता है डायकॉट में हमारा क्या आ रहा है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एल्ब्यूमिनस की बात करें, उसमें भी नेम सेम है एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक. बट ये है इसकी जो एग्जाम्पल होगी यहाँ पे, इसकी एग्जाम्पल क्या होगी यहाँ पे? इसकी एग्जाम्पल होगी यहाँ पे कास्टर, CSTO और कैस्टर. और इसमें क्या एग्जाम्पल होगी? पी, ग्राम और सनफ्लावर. इसकी एग्जाम्पल क्या रहेगी? पी, ग्राम और सनफ्लावर. तो ये तो हमने इसकी एग्जाम्पल्स की. ठीक है, आप डायग्राम ऑलरेडी कर चुके हो इसका कि कॉटिलेडन में क्या होता है. ये देखो कॉटिलेडन में क्या था हमारे में, लाइक दिस, दीज आर द कॉटिलेडन्स. ये कॉटिलेडन और ये कॉटिलेडन. ठीक है, यहाँ पे इसका क्या प्रेजेंट होता है? लाइक दिस, ये होता है ना यहाँ पे प्रेजेंट. अब इसको जो सेंटर में है यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं? कॉटिलिडनरी नोड. क्या बोलेंगे? कॉटिलिडनरी नोड. ठीक है, और ये वाला जो है इसको हम क्या बोलते हैं? रेडिकल. ये हमारा क्या है? रेडिकल. ओके, ये हमारा रेडिकल है ना, इट गिव्स राइज टू रूट. ये क्या देता है हमें? रूट्स इससे होती है. और जो ये वाला है इसको हम क्या बोलते हैं? प्लिम्यूल. क्या है ये? प्लिम्यूल. इट गिव राइज टू शूट. ये क्या देता है? इट गिव राइज टू शूट. ठीक है, और ये हमारे क्या है? दोनों कॉटिलेडन्स हैं. ये हमारे दोनों क्या है? कॉटिलेडन्स हैं. तो ये आपको ध्यान से करना है कि रेडिकल गिव राइज टू रूट, प्लिम्यूल गिव राइज टू शूट. और ये सेंटर में क्या है? जहां पे अटैचमेंट है, दैट इज कॉल्ड कॉटिलेडनरी नोड. ठीक है, तो ये तो था हमारा टाइप्स ऑफ सीड के बारे में कि मोनोकॉट है उसमें क्या एग्जांपल है, डाइकॉट है उसमें क्या एग्जांपल है. जस्ट इसके बाद
इन नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द डाइकॉट एंडोस्पर्मिक सीड, हमने उसकी डायग्राम्स देखने हैं प्रॉपर. ओके, डाइकॉट एंडोस्पर्मिक सीड एंड द एग्जाम्पल फॉर दैट इज कैस्टर. अब इसका हमने देखना फिगर पूरा. इसमें क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट द आउटर जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम, इसका सीड को ये लाइक दिस, ठीक है, ये है इसका लाइक दिस वन. यहाँ पे इसकी ना छोटी सी, यहाँ से अंदर को ऐसा, यहाँ से भी, ठीक है, यहाँ पे इसकी छोटी सी प्रोट्यूबरेंस होती है और यहाँ पे भी क्या है इसकी एक छोटी सी प्रोट्यूबरेंस, ठीक है. ये जो इसकी आउटर कवरिंग है दिस इज कॉल्ड सीड कोट, दिस इज कॉल्ड सीड कोट. आउटर कवरिंग को हमने क्या बोलना है, सीड कोट. सीड कोट के बाद क्या आता है आपको पता है, इसमें जैसे हमने पहले किया कॉटिलेडन्स की बात की, यहाँ पे क्या आएगा, कॉटिलेडन्स होते हैं ना, इसके जो कॉटिलेडन्स हैं वो क्या है लाइक दिस, एक को ये वाला, ठीक है, और जो इधर से एक इसका कॉटिलेडन क्या है लाइक दिस, ठीक है, और इसकी कॉटिलेडन में ये कॉटिलेडन्स. अब इसका जो यहाँ पे है दिस इज कॉल्ड दिस वन, ठीक है, ये जो दिस वन दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एब्रियोनियल एक्सिस, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस वन इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल, ये हमारा क्या है एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, ये थोड़ा क्या है लॉन्ग. ओके, जो हमारे ये वाला है जो हमने प्रोट्यूबरेंस दिखा रखी इसको हम क्या बोलते हैं कैरेंकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैरेंकल CARUNCLE, ये हमारा क्या कैरेंकल, हमने दो इंटेग्यूमेंट पढ़े ना ऑलरेडी, कैरेंकल होता है हमारा थर्ड इंटेग्यूमेंट. व्हाट इज इट, थर्ड इंटेग्यूमेंट, जो इसका ये वाला नीचे वाला हिस्सा है दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल एंड, दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल एंड, ओपनिंग होती है ना नीचे को, दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल एंड, ठीक है, और ये जो हमारे दोनों है इसको हम दोनों को क्या बोलते हैं, दीज आर द टू कॉटिलेडन, ये हमारे दोनों क्या है टू कॉटिलेडन्स, दीज आर द कॉटिलेडन्स, ठीक है, आपको पता है दीज आर द कॉटिलेडन, जो एक हमारा क्या होता है जब आपने कॉटिलेडन्स ड्रॉ किए थे, ये हमारा एक ये वाला और एक ये वाला, ये जो है हमारा इसको हम क्या बोलते हैं हाइपोकोटाइल, नीचे वाले को क्या बोलेंगे हाइपोकोटाइल, और हाइपोकोटाइल के साथ ही नीचे इसको हम क्या बोलते हैं रेडिकल, विच गिव राइज टू रूट, ये हो गया. और जो इसके बिल्कुल ऊपर है ये हमारा क्या है एपिकोटाइल, क्या है एपिकोटाइल, और उसके ऊपर हमारा क्या है प्लिम्यूल, क्या है प्लिम्यूल, डन. और यहां पे हमारा क्या है फिल्ड है, मतलब स्पेस है, कंप्लीट स्पेस दैट इज फिल्ड विद एंडोस्पर्म, ये जो कंप्लीट स्पेस है ना हमारी, दिस इज द कंप्लीट स्पेस दैट इज फिल्ड विद एंडोस्पर्म, आई एम गोइंग टू राइट हियर एंडोस्पर्म, ठीक है. एंडोस्पर्म क्या करता है, एंडोस्पर्म इज अ रिजर्व फूड मटीरियल, रिजर्व फूड मटीरियल, ठीक है, ये क्या होता है फैटी, ये हमारा क्या है फैटी. अब दिस इज अ फुल डायग्राम, किस चीज का डायग्राम है हमारे कैस्टर का, और ये आपको प्रॉपर आना चाहिए. एक और चीज आपको पता होना चाहिए, हमने बात की यहाँ पे जो नीचे वाली प्रोट्यूबरेंस है इसको हमने बोला कैरेंकल, बोला क्या, बोला कैरेंकल. हमने वैसे नॉर्मल कैसे पढ़ा था, ये देखो ऐसे करके था ना डायग्राम हमारा जो फिगर था, यहाँ पे ऐसे दो इंटेग्यूमेंट बने होते, एक यहाँ पे इंटेग्यूमेंट था, इसके यहाँ पे इंटेग्यूमेंट थी, ये दो दो इंटेग्यूमेंट थे ना. बट इसमें क्या है, इसमें क्या है कैरेंकल का क्या मतलब, हमने कहा थर्ड ये वाला, एक थर्ड इधर से एक इधर से, ये हमारा थर्ड इंटेग्यूमेंट है, हमने यहाँ पे मेंशन किया ना कैरेंकल, कैरेंकल इज अ थर्ड इंटेग्यूमेंट, वो ये वाली चीज है. ओके, जो हमारा ये वाला सीड कोट है, एक और चीज जो हमारा सीड कोट है, सीड कोट आपको पता है यहाँ पे सीड कोट में क्या होता है, टेस्टा और टेगमन, टेस्टा और टेगमन दोनों है ना, ये टेस्टा और टेगमन जो है ये क्या होते हैं फ्यूज्ड, ये आपको पता होना चाहिए. कैस्टर में जो टेस्टा एंड टेगमन है वो दोनों क्या होते हैं फ्यूज होते हैं, क्या होते हैं फ्यूज कंडीशन में आपको मिलेंगे, ठीक है. ये इसका क्या है सीड कोट, सीड कोट कैसे बनता है टेस्टा से टेगमन से, ये दोनों कैसे होंगे आपको फ्यूज कंडीशन में मिलेंगे. जो इसकी नीचे वाली ओपनिंग है दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर एंड, आपको पता ऊपर वाले को हम कैरेजल एंड बोलते थे ना, चिलेजल एंड, ठीक है. तो ये इसके दोनों कॉटिलेडन्स है, इन दोनों में जो
फिल्ड है, दैट जो स्पेस है वो किसे है, एंडोस्पर्म, जो कि रिजर्व फूड मटेरियल दैट इज फैटी। तो ये आपको जो है कैस्टर का डायग्राम आपने प्रॉपर जो है डाइकॉट एंडोस्पर्मिक सीड आपको प्रॉपर आना चाहिए। ओके, इसके बाद हमने करना है मोनोकॉट सीड का।